गुड मॉर्निंग दोस्त। आज जो हम करने वाले थे वो ये है कि आज हमें जाना था कहाँ, बेरोजगार लोगों के मेले। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन उठे सुबह, उठते ही अपन हुए फ्रेश और अपन ने सब रेडी कर दिया। 11 बजे अपन पहुंच गए जयपुर खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज। वहां पे हमारा कैंपस था एशियन पेंट्स, राइट। जैसे ही हम कॉलेज पहुंचे हमने देखा अंदर घुसते ही शानदार, मतलब क्या था वो, इतने बच्चे जिसकी हद नहीं, इतने सारे लोग के काबिल ना काबिल, और मतलब हर जगह से आए हुए थे वहाँ पर लोग, ठीक है ना, यूपी से, कोई आगरा से आया हुआ था, कोई राजस्थान से था, कोई वहाँ एमपी से, हर जगह से लोग आए थे। इतने सारे बच्चे थे कि लाइक 622 तो मैंने आपको बताया था मैकेनिकल के, लाइक राइट ना, और उसके अलावा 100-150 बच्चे और थे, तो मतलब टोटल 700-800 बच्चे थे, ठीक है। और जब अगर बेरोजगारी की बात चल रही तो हम भी बेरोजगार, तो हम भी शामिल हो गए उन लोगों के साथ ही। और बात ऐसी है कि हम वहाँ पहुँच गए 11 बजे, हमारा नंबर आया है 1 बजे, ठीक है, 1 बजे नंबर आया है। नंबर आने के बाद हम गए अंदर लाइन से, इतनी देर 2 गेट और उसमें अलग लोग घुसते जा रहे हैं। अंदर घुसने के बाद एक बहुत बड़ा हॉल था जिसमें बच्चे को बैठा, 100 बच्चे एक साथ बैठ सकते थे। हमारा लिया क्या, एप्टीट्यूड टेस्ट, और मानो नहीं तुम्हारा भाई पास हो गया, अपन पास हो गए बाकायदा पास में। उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट का उनने जो रिजल्ट बताया जो 1:30 बजे खत्म हो गया था, उसका रिजल्ट उन्होंने बताया हमें कब, 5 बजे, 4 घंटे हम बैठे रहे। 5 बजे में रिजल्ट बताया, हमारा रिजल्ट है यहाँ पर, आपको कहीं शो होगा वो मेरा एप्टीट्यूड करेगा, ठीक है। 6 बजे हमारे घर टेक्निकल का टेस्ट, ठीक है ना, मतलब 10 मिनट का टेक्निकल टेस्ट था, तो हमने बोल रहा कि 7 बजे आपको रिजल्ट आएगा। उस टेक्निकल का हमारा जो रिजल्ट आया वो आया ऑलमोस्ट 1 बजे, 10 बजे हमारे पास रिजल्ट आया कि हाँ टेक्निकल पास, ठीक है ना। सुन रहे हो अभी, मतलब सुबह के 11 बजे का गया हुआ, 10 बजे रिजल्ट आया कि हाँ भाई टेक्निकल में पास। उसके बाद मैंने क्या बोलता, ग्रुप डिस्कशन, फिर हमारा हुआ ग्रुप डिस्कशन। अब हम तो पहली बार गए थे ग्रुप डिस्कशन करने, क्या होना है, फेल हो गए, वे फेल कुछ आ रही यार। वो लोग तो चिल्लाने लगे, भा 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 भा, मैं भी चिल्लाने लग गया, मेरे को कुछ आ नहीं समझता, मैं भी चिल्लाने लग गया उन लोगों के साथ साथ। वो भी सिलेक्ट नहीं हुए, मैं भी नहीं हुआ, मेरे ग्रुप के सिलेक्ट ही नहीं हुए, 2 बच्चे सिलेक्ट हुए, मतलब टोटल थे 600, ठीक है, 700 बच्चे आए थे। तो एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर होने के बाद बचे ऑलमोस्ट 500, और जब टेक्निकल टेस्ट क्लियर हुआ तो बचे सिर्फ 90 के उनने 10-10 में डिवाइड कर दिए, जो 9 ग्रुप बने, और 9 बच्चों में से हमने हर एक बच्चे में से एक बुक चल गया, तो लास्ट में बचे 9 बच्चे, सिर्फ 9 स्टूडेंट्स लास्ट में बचे। और अब उनका कल होगा इंटरव्यू, जो 2-2 इंटरव्यूज हैं, तो मतलब कंपनी टोटल लेके जाएगी सिर्फ 2 से 3 बच्चे। तो अच्छे से मजे लिए कंपनी ने, मेरा
한번 지나고요. 만약에 이 불화도 잡다 우리 또마다 컴플리멘트로 뭐 같이 갑니다. 뭐라고 봐야지 갑니다. 페이스테인 봐야지 니와 뭐라고 하나 Did get those things sometimes you don't, right? But kya haal nahi maani haal nahi maani karte raho mere sath aisa hai ki theek hai ek interview mein hua agle mein try karenge try karte raho kyunki kya wo mere na andar se mere ko strength deta hai bahut strength deti hai fail hote hain fail is होता है फेल होना है कोई प्रेशर नहीं है फेल होते हैं फेल हो पड़ गया फेल हो जाओ बहुत कुछ सीखने को मिलता है उसके बाद इंटरव्यू में हम अच्छा करेंगे सो विद दैट सेड बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस था मेरे लिए पहली बार 12 घंटे का इंटरव्यू सुबह के 11 बजे से रात के मैं अपने रूम पे मतलब दीदी के रूम पर आया हूँ ऑलमोस्ट 12 बजे टोटल 12 घंटे लगे वहाँ पर पहला इंटरव्यू मेरे जिंदगी में लगे वो भी 12 घंटे का चला बट मज़ा आया था बहुत मतलब पेशेंस बहुत सारी चीज़ें